ना तुम्हारी ना हमारी। विनोदी बहन को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, वो कहते हैं ना नारी सशक्तिकरण। सरपंच जी, हो सकता है कि वो स्नेहा महिला कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर दे। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। आखिर उसे हुआ क्या है? मैंने कहा ना आपसे, आपकी मीना को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। स्नेहा जी, आप कहते हैं तो आप करते क्या है? शुगर मिल में अकाउंट्स का काम देख दो, वो मेरी नौकरी है, लेकिन मेरी मीना जिंदगी है मेरी। वो एकदम अपने माँ के जैसी दिखती है, सारे गांव वाले भी कहते हैं। और मीना की माँ? मीना साल भर की भी नहीं हुई थी कि वो उसे छोड़कर चली गई थी। कसूर मेरा ही था। हमारे दूसरे बच्चे को जन्म देते ही मां और बच्चे डॉक्टरनी ने कहा कि दूसरी संतान होने में इतनी जल्दी मत कर, नहीं माना, छठी का कमजोर छठी। संभालिए अपने आप को। मर्दों को बात इतनी आगे बढ़ जाने के बाद ही क्यों समझ में आती? सिर्फ तसल्ली देने के लिए नहीं कहना चाहती, पर यह हमारे समाज का कड़वा सच है। अपने ही घर की महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में कई पुरुष अनजान रहते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। अतीत को हम बदल नहीं सकते, पर आने वाला कल वो तो हमारे हाथ में है। स्नेहा जी, मैं आपकी बात को समझता हूं, इसीलिए तो कहा कि मीना बिल्कुल अपने मां के जैसी थी। अब उसकी मां से तो मैं माफी नहीं मांग सका, ये बेटी ही अब मेरा प्रायश्चित है। उसके लिए सब कुछ सुन सकता, तैयार हूं। बताइए क्या हुआ था, कहीं उसके साथ में? उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। वो विक्की शहर से आया हुआ लड़का था, मना किया था मैंने, मगर झूठे सपने के आगे बाप की डांट की कोई अहमियत होती है क्या? आप मीना की गलती को समझते हैं, उसे माफ कर दीजिए। माफ ना करे तो क्या होगा? जो हो गया तो उसे तो मैं नहीं बदल सकता। ये गलती एक अकेली लड़की की तो नहीं है ना? भगवान आप जैसा पिता हर बेटी को दे।
मैं गरीब जरूर हूं लेकिन अंधा नहीं हूं। मीना पहली लड़की नहीं है और ना आखिरी होगी जो अपने शरीर के पुकार और प्यार में फर्क को न समझ सके। तो अब आप नहीं, उसका उस भगोड़े लड़के के साथ में रिश्ता टूटा। मेरे लिए तो मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। स्नेहा जी, एक सपना टूटा है और सपने नहीं टूटने दूंगा उसके। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है और उसका एक ही सपना है, डॉक्टर बनने का। और ये सपना जरूर पूरा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करूंगी, हर कोशिश करूंगी। आप गरीब नहीं हैं, आपके पास जो दौलत है वो बड़े बड़े रईसों के पास भी नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। आज हमारा कार्यक्रम कुछ गंभीर है। कारण आप जल्दी जान जाएंगे। ये कुर्सी आज एक खास मेहमान के लिए है। हमारे गांव की 9 वर्षीय बच्ची अनीता, जिसने अपने पिता के नाम एक कविता लिखी है। अनीता आपको कविता सुनाएगी अपनी आवाज में। अनीता बबलू। हो रही आपकी कुर्सी, उस पे आपको बैठना है। ए शाबाश। और ये अब ये रहा आपका माइक, इसमें आपको बोलना है। आप बबलू, ओके चलो बेटा अब कविता शुरू करो। कविता के शीर्षक है प्यारे पिताजी, कल रात को घर अपने में भगवान जी आए थे सपने में। मैंने पूछा आए किस लिए, तो कहा तुम्हें मिस कर रहा हूँ इसलिए। मैंने पूछा आप भी किसी को मिस करते हैं, तो कहा भगवान को बेटियों से ही है लगाव। मैंने कहा पिताजी बहुत डांटते हैं, उन्हें सजा दिलाओ। वह बोले मैं समझा दूंगा, तुम प्यार बांटते जाओ। तो पिताजी मुझसे शरारत हो जाए तो इतना आप करना, भगवान से पहले आप मुझे माफ करना। बैठिए बैठिए सरपंच जी, बैठिए। भाई आपने हमारे गरीब खाने पे आकर हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दिए। भाई मान बढ़ा दिया आपने, हमारा मान। अब रहने दो बाबा। काहे राय दे सरपंच जी, बाबा जी कौन गलत बात कह रहे हैं? और सगरा गांव तो आपके ही ईमानदारी कर गुणगान करता है ना। पर हमारा मानना है कि ईमानदारी बोलने में नहीं करते हुए जतानी चाहिए। सही कह रहे हो सरपंच जी, भाई हमारे और आपके विचार कितने मिलते हैं। हम भी जो काम करते हैं 100% ईमानदारी के साथ करते हैं। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा विनोदी बहन कह रही थी कि आप हमसे सुलह करना चाह रहे हैं। अरे सरपंच जी, जब हमारे बीच में कोई मतभेद ही नहीं है तो सुलह किस बात की। अरे हम लोग तो यहाँ इकट्ठा भए हैं गाँव वालों की भलाई के लिए विचार विमर्श करे खातिर। ख्याल तो नेक है पर अभी सिर्फ ख्याल ही है। अब तो सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। सरपंच के चुनाव होने वाले हैं तो क्या आप दोबारा इलेक्शन में खड़े हो रहे हो क्या? अभी तक तो यही सोचा है और गांव वाले भी यही चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। हम कौन गांव वालों से अलग हैं? अरे हम तो इससे बढ़कर चाहते हैं, क्योंकि चुनाव होंगे तो खर्चे भी बहुत होंगे, दुनिया भर के साधन लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे, दुनिया भर का तामझाम संभाल पाओगे आप?
आप कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई सारे खर्चे हम उठाना चाहते हैं, आपका तो सिर्फ इशारा चाहिए बस, हमारे जितने भी लोग हैं सब आपके गुलाम बन जाएंगे। अरे बड़े लेवल पे प्रचार करेंगे आपका, आज सरपंच कल एमएलए और परसों सारा जहां तुम्हारा। बाबा इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हम अपने सारे काम ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। तो कौन कहते कि निष्ठा छोड़ दो, बस इधर उधर का थोड़ा काम हमारे लिए भी कर दो निष्ठा से। एक बात बताएं आप लोगों को, हमारे इलेक्शन में जो फंड आता है ना वो दो दो पांच पांच रुपया करके आता है गांव वालों से, और वो हमारे लिए चंदा नहीं होता, गांव वालों की उम्मीद होती है जो वो हमसे लगाए हुए हैं, और हम अपने गांव वालों से फरेब नहीं करते। तो हम भी जो आपको दो दो चार चार पांच पांच हजार रुपए देंगे ना वो भी बहुत ईमानदारी का होगा, हमारी कमाई में क्या खून पसीने की खुशबू नहीं है क्या? बस बाबा एक थोड़ा सा फर्क है आपकी कमाई और उनकी कमाई में, क्या है ना कमाई तो होती है आपकी और खून पसीना होता है उन गांव वालों का, गरीब बेचारों का। सरपंच जी सोच लीजिए, ये जो सगरा गांव है ना ये हमरे और बाबा जी के ना जकड़ में है, समझे? विनोदी बहन राम से धमकाया तो बकलोलो को जाता है, ये तो हमारे अपने सरपंच जी है। लेकिन एक बात तय है सरपंच जी, हमारी मदद के बिना आप इलेक्शन जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे। एक काम करो बाबा, खड़े हो जाइए चुनाव में और हरा दीजिए हमको। सरपंच जी जरूरत पड़ी तो वो कर लेंगे, पर का करें हमारे बाबा जी की छवि पे ना वो ईमानदारी का स्टंप नहीं है जो कि जिला अधिकारियों के लिए बहुत जरूरी है ना। कमाल है बाबा, अरे जो चीज बिकती हो वो चीज ईमानदार कैसे हो सकती है। अच्छा छोड़ो, समझौता कर लेते हैं, ना तुम्हारी ना हमारी, विनोदी बहन को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में। वो कहते हैं ना वुमेन वुमन एम्पावरमेंट, वही नारी सशक्तिकरण। सरपंच जी हो सकता है कि वो स्नेहा, अरे आपकी डॉक्टर स्नेहा महिला कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर दे। बाबा गांव वाले गरीब जरूर हैं पर बेवकूफ नहीं है। सरपंच जी गरीब का एक राज बताएं, जूता को ना चाशनी में भिगा के उनके मुंह पे रसीद दो ना तो जूता तो भूल जाते हैं पर चीनी का चाशनी उका स्वाद ना हमेशा याद रहते हैं। आप लोगों के मंसूबे उतने ही नीचे हैं जितने नीचे हैं आप लोग। आपसे तो ये भी नहीं कह सकते कि मिलकर खुशी हुई, चलते हैं। अब कहा बाबा जी, अब कोई नहीं जीतेगा और ना ही कोई हारेगा, अब तो कोई जिएगा या मरेगा। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रतापवाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी आपकी सेवा में, और मैं आपका दोस्त मुन्ना बुआ जी की और आपकी सेवा में। आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं पन्ना, यानी कि हमारे गांव की आशा दीदी अपने पिटारे के साथ। पन्ना आज तुम अपने पिटारे से क्या निकालने वाली हो? मस्त गोली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां खास औरतों के लिए।
फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं चला। अरे बैठ। अरे सीख रहा है ना, जब तेरी जोरू आएगी ना उस दिन के लिए। बिल्कुल सही कहा है बुआ जी, मर्दों को खास जरूरत है परिवार योजना के तरीकों को समझने की। लेकिन पन्ना, रुक्मिणी कह रही थी कि ये गोली लेने के बाद मोटापा होता है। छोटा मुंह बड़ी बात। बुआ जी, सेहत तो आपकी भी माशाल्लाह है, आपने कितनी गोलियों का सेवन किया है? हटनी गोड़ी मजाक करती है। अभूतपूर्व बुआ जी की टिंगल। नहीं मुन्ना भैया, मैं बस उदाहरण देके बात को समझा रही हूँ। वजन का बढ़ना या घटना आम बात है उन औरतों में भी जो इन गोलियों का सेवन नहीं करते। इनका गोलियों से कोई ताल्लुक नहीं, मगर कहीं कहीं देखा गया है कि इन गोलियों का सेवन करने से वजन थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन उसे सही चीजें खाने से संभाला जा सकता है। अच्छा पन्ना, ये बताओ कि इस गोली को कब इस्तेमाल करना चाहिए? आई मीन मतलब वो करने के। मूर्ख, ये सवाल काहे पूछा रे? बिल्कुल सही सवाल है बुआ जी। इन गोलियों को परिवार नियोजन के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ध्यान रहे, इन गोलियों का सेवन आपातकालीन स्थिति में नहीं करना चाहिए। पन्ना, गांव वालों के मन में एक शंका हमेशा रहती है कि इन गोलियों के कुछ अनचाहे असर भी होते हैं। बेबुनियाद अफवाह है ये मुन्ना भैया। ये गोलियां बनने के पीछे बहुत सारी जांच और पड़ताल होती है। इनके छोटे मोटे असर होने के बावजूद भी इनके फायदों के आगे उनका कोई मोल नहीं है। अच्छा पन्ना, फिलहाल जो औरतें बच्चा नहीं चाहती, वो इस गोली का सेवन कैसे करें? मतलब क्या तरीका है? वैसे तो दिन में एक गोली का सेवन करना काफी है, मगर बेहतर ये होगा कि आप रोज इस गोली को एक ही समय पर लें, मानो रोज शाम 8 बजे। और उससे भी बेहतर ये है कि आप खाना खाने के बाद और सोने से पहले इसका सेवन करें। इससे जो शरीर में हल्की सी सनसनी होती है वो भी नहीं होगी। सुन लिया गांव वालों, अपनी महिलाओं की सेहत का ख्याल खुद ही है बनाना। डॉक्टर और आशा दीदी की मानो, अफवाहों पे मत जाना, समझे? इसीलिए तो कहा है कि बुआ जी और मुन्ना अब लेंगे सबकी खैर। सच से अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। खून बहुत बह चुका था, हमने खून चढ़ाया, ऑक्सीजन देना पड़ा, क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हमारी सीमा बच नहीं पाई। अभी तो आई और तुरंत अस्पताल वापस जा रही है, माँ से भी नहीं मिली। तो मालूम है रात भर बैठकर तुम्हारे लिए पूजा करती है। क्या बात है बेटा? मीना का ऑपरेशन करना। बाबूजी, मुझे बार बार मेरी बहन सीमा का चेहरा याद आ जाता है, जिससे मैं बचा ना सकी।
ऑपरेशन करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन की ताकत तुम्हारे साथ होगी। आज हम मिले एक ऐसे पिता से जो अत्याचार या अन्याय होने पर अपनी बेटी को कसूरवार नहीं ठहराता। और एक बात पर गौर कीजिए, भंडारी जी की बेटी के कदम भटक गए जोश में, नादानी में, मगर भंडारी जी ने इस नाजुक बात को पहचाना और इस मुसीबत की घड़ी में अपनी बेटी को प्यार दिया, सहारा दिया कि हम सबके लिए एक सबक है। हमारे बच्चे बहक सकते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, मगर इसी हादसे को हम अपने बच्चों की आंखों से देखें तो उन्हें और समझने लगते हैं, क्योंकि मुश्किल घड़ी में बच्चों को समझना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, इसी को तो प्यार का रिश्ता कहते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, देखते रहिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।